Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So today's video is regarding love life predictions for May month. What are the possibilities we are seeing? What are your energies? What are your partner's energies for each and every zodiac sign? So yes, as per thumbnail, you have understood your Rashi according to your Rashi. This is about your Rashi. Also, if you are new to my channel, so don't forget to like, share and subscribe and also hit the bell icon ताकि मैं जो भी new videos post करूँ आपको उसके update आ सके. साथ ही साथ अगर आप daily tarot reading या आप कोई वास्तु tips and healing remedies के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे definitely follow कर सकते हो Instagram या Facebook पर, जहाँ पे आपको daily updates and remedies के बारे में tips मिलती रहेंगी. So yes, इसके बाद में आपकी reading start हो जाएंगी. And also बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये reading को हम किसके according देखें, हमारी कौन सी राशि के अकॉर्डिंग देखें. सो यस, आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं एज पर आपके सन साइन के हिसाब से, या आपके वेस्टर्न जोडियक राशि के हिसाब से, या आपके लगन के हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से, एंड इनफैक्ट आपके जो नाम का जो भी पहला लेटर होता है जो राशि बनती है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको सन साइन से ही देखें. जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आप उसके अकॉर्डिंग उस वीडियो को देखें. ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल मानी जाएंगी. सो यस, थैंक यू सो मच. इसके बाद में आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी. हेलो जेमिनीज. सो यस, सबसे पहले हम जानिए कि आप कैसा फील कर रहे हो मे मंथ के स्टार्टिंग के अराउंड में, कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज. सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आए थे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, जो कहीं ना कहीं बताता है शायद जेमिनीज कुछ बातों को लेकर अपसेट एंड गुस्सा हो सकते हैं. कहीं ना कहीं इनके अंदर ना एक छुपा हुआ सा गुस्सा दिख रहा है जो ये शायद से वर्बली नहीं कहेंगे, या मान लो अगर कह भी देंगे तो उस बात को पकड़ के थोड़ा टाइम बैठे रहेंगे. तो जेमिनीज कोई ना कोई रिलेशनशिप में बात को लेकर गुस्सा या अपसेट होते हुए दिख रहे हैं बाय दे ना स्टार्ट ऑफ द मंथ ऑफ मे में. अब पता नहीं इसमें क्या बात है बट गुस्सा है. तो अगर कोई और राशि वाले क्रॉस देख रहे हैं इस बारे में तो मैं कहूँगी जेमिनी से आप स्टार्ट ऑफ द मंथ में ज़्यादा पंगे ना लें, बिकॉज ये कुछ बातों को लेकर या तो वैसे ही अपसेट है या तो वैसे ही गुस्सा परेशान होंगे. तो कुछ ना कुछ बातों को लेकर एक मन में ना गुस्सा क्रोध ऐसा दिखाई देता है इनके लिए. रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें हो जाती हैं जहाँ पर आप या तो अपसेट हो जाते हो या ज़िद्दी हो जाते हो या गुस्सा हो जाते हो. आपको लगता है ये चीज़ मेरे हिसाब से होगी तो ठीक है, नहीं तो मेरे को और नहीं चलेगा. तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा, ज़िद, स्टबर्ननेस, रिवेंज लेने वाली फीलिंग वैसी वाली दिख रही है. एंड आई थिंक लव लाइफ में ये सब चलता रहता है, कोई बहुत मेजर चिंता वाली बात भी नहीं है ना ऐसे कार्ड से. बट ऐसी ना उनकी एनर्जी एक और ऐसी दिख रही है, मतलब मुझे बहुत हैप्पी गो लकी नहीं दिख रहे हैं. कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर ऐसे हैं कि नहीं यार बहुत हो गया, मैंने बहुत चीज़ अभी लाइटली ले ली, अब मैं इससे ज़्यादा चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकता हूँ, तो ऐसी वाइब्स है. वहीं आपके पार्टनर की अगर वाइब दिखे तो आपके पार्टनर की एनर्जीज बाय दी स्टार्ट ऑफ द मंथ में काफ़ी सपोर्टिव एंड अच्छी दिख रही है. तो आप शायद अगर गुस्सा रहोगे तो पॉसिबल है आपके पार्टनर शायद आपको मनाने भी आए, शायद अप्रोच भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है. तो सब में आई सी कि ठीक है, मे बी आपके पार्टनर, या आप ये भी कह सकते हो कि जितना आप सीरियस होगे उस टॉपिक को लेके उतना सीरियस आपके पार्टनर नहीं होंगे उस टॉपिक को लेके. आपके पार्टनर कहेंगे कि ये तो नॉर्मल है, छोटी सी बात है, इतना क्यों आप इशू बना रहे हो बात का. तो या तो शायद से वो आपको रिस्पॉन्स ही ना दें उस बात को लेकर, एक दो बार अप्रोच करेंगे फिर कहेंगे भाई देखो तुम्हारी मर्ज़ी, मैं इससे ज़्यादा सॉरी नहीं कह सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, सो आई नो आप अपना टाइम लो, चीज़ों को समझें, ये आपको सजेशन देंगे. तो इस तरीके की वाइब दिखती है. तो मुझे आपके पार्टनर बिल्कुल भी उतना सीरियस इशू समझकर नहीं चलते हुए दिख रहे हैं, वो थोड़े चिल आउट रहेंगे ये मुझे दिख रहा है. आगे मैं आपकी बात करती हूँ जेमिनीज. सो आगे जो है ना आपके एनर्जीज के कार्ड दिख रहे हैं बाय दी मिड ऑफ द मंथ में. सो यहाँ पर अगेन द एम्परर के कार्ड से हुआ क्या है जेमिनी ऐसा कि आप थोड़े थोड़े से ज़िद्दी, गुस्सा और सीरियस फेसेस वाले कार्ड्स आ रहे हैं आपके. कहीं ना कहीं मे बी आप क्या तो आपको सीरियसली कोई चीज़ हर्ट की है एंड आप वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते नहीं हो, लेकिन इट्स इनफ मेरी लव लाइफ में ना मुझे ऐसा ऐसा चाहिए नहीं तो मुझे नहीं चलेगा. सो इस तरीके की मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए द एम्परर, एंड दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स. ये कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि भैया जो पॉइंट आपके लिए जेमिनी सही है बस वो ही सही है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर करके थक चुके हो एंड अब आपका ऐसा वाइब है कि यार देखो ऐसी चीज़ें हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं सुननी. एंड समवेयर बहुत स्टैंड ले रहे हो आप अपना, कोई ना कोई बात अगर आपको तकलीफ दे रही हो तो आप ये मंथ में स्टैंड लोगे अपना, लाइक दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट. एंड जो लोग सिंगल हैं रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं कुछ पॉजिटिविटी जाते हैं, सो डेफिनेटली मुझे ये मंथ में आपकी वाइब जैसी दिख रही हैं
कि आप ना अपने पास्ट में रहना चाहते हो, आप पास्ट से भी मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाहते हैं एब्सोल्युटली, एंड आप चाहते हो कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे वैसा पार्टनर मिले, वैसी आपकी सोच रहेगी, वैसी आपकी एनर्जीज रहेंगी, एंड डेफिनेटली आप ऐसे रहोगे कि नो मुझे अपना पार्टनर जैसा चाहिए एग्जैक्टली मैं वैसा ही ढूंढूंगा, मैं मैनिफेस्ट करूँगा, मैं प्रे करूँगा या करूँगी, एंड यू नो आई नो वॉट आई डिज़र्व, मैं ऐसा अपनी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा एंड मैं इतना इजीली खुद को हर्ट नहीं होने दूंगा, आई नो वॉट आई डिज़र्व। एंड अब बहुत हो गया है नो बेफालतू के रिलेशनशिप्स या बिना कमिटमेंट वाली बातें, ये सब अब आपको समझ नहीं आएंगे जेमिनीज इन दिस मंथ में। सो आई सी यू विद अ लॉट ऑफ क्लियर माइंड, क्लियर इंटेंशंस, क्लियर थॉट प्रोसेस। मतलब अब जेमिनी जैसे लग रहा है कि नो अब इस मंथ में काफ़ी सॉर्टेड रहेंगे, उनको पता है क्या गलत है क्या सही है, उनको किसी की अब सुनने की ज़रूरत नहीं है। सुनो ये जेमिनीज की वाइब दिख रही है अब यू नो मिड ऑफ द मंथ में। अगर आपको मुझे कहीं ना कहीं ना आप जेमिनी इस मंथ में थोड़े से स्ट्रिक्ट लग रहे हो एंड आपके पार्टनर मुझे अगेन एंड अगेन आपकी तरफ अप्रोच तो करते हुए दिख रहे हैं कि आपसे आके बात करने की कोशिश, आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। आप मान लीजिए कोई आपके ऊपर, कोई आपको पसंद करता हो, कोई आपको जिसको आपके ऊपर क्रश हो, तो ऐसे कोई इंसान भी आपको अप्रोच कर सकते हैं इस मंथ में, ये तरीके के प्रपोजल्स भी आपको आ सकते हैं, दिस इज़ वॉट आई सी। बट अगेन आपके पार्टनर के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। मिड मंथ में अगर मान लो आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े से फाइट्स एंड झगड़े चल रहे हैं, तो मिड मंथ के आसपास में आके अब दोनों का थोड़ा सा ईगो क्लैश चलेगा, बिकॉज दोनों ही एम्परर और किंग्स की वाइब्स में आ जाएंगे। ऐसा होगा कि भाई देखो तुम्हें भी नहीं करनी, अब देखते हैं कौन पहले कॉल मैसेज करता है, कौन पहले क्या करता है, दोनों वो वाली फाइट छिड़ सकती है थोड़ी सी जेमिनीज, दिस इज़ वॉट आई सी। बट स्टिल आपके पार्टनर के मन में एक वो ऊर्जा, एक एनर्जी दिखती है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एफर्ट देंगे एंड एवरीथिंग नो। और कहीं ना कहीं जेमिनीज एक और एंगल मेरे को दिखता है कि इस मंथ में ना आप ऐसे भी हो सकते हो कि भाई बस हम तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने कहा ना हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, वो खुद जेन्युइनली जब मुझसे माफ़ी मांगने आएंगे या करेंगे तो ही मैं बात करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगा या करूँगी, ये एनर्जीज भी दिखती हैं। अब जैसे हम एंड ऑफ द मंथ के आसपास में चलते हैं जेमिनीज, तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन के कार्ड्स हैं, जो बताता है अब यहाँ पे आके आप रेडी हो बात करने के लिए। एंड जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग ऑफकोर्स शादी के लिए देख रहे हैं, प्रेयर्स करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, अपने पार्टनर के लिए ढूंढेंगे, सो बहुत सारी हीलिंग एंड प्रेयर्स भी करेंगे, ये तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं आपके लिए। एंड आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, विच इज़ अ गुड थिंग। सो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं एंड एक आप मे बी मैं कहूँगी आपको जो भी एक्शन स्टेप्स लेंगे अपने पार्टनर को ढूंढने में, बात करने में, सॉर्ट आउट करने में, वॉट एवर इट इज़, लेट्स स्टार्ट। पास्ट को जाने दो, फ्रेश एनर्जी से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, अच्छे इंटेंशंस रखो, ये वाली वाइब आप कंटिन्यू करो बाय द एंड ऑफ मे मंथ में। सो आपके पार्टनर के यहाँ से भी जो कार्ड आया मेरे को एंड ऑफ द मे मंथ के लिए, वो कार्ड्स की एनर्जी कुछ ऐसी दिखती है, मूवमेंट है। तो अगर चीज़ें अभी तक आपके मन में स्टक थी, रुकी हुई थी, सो जब आप अपने रास्ते खोलोगे सो आपका पार्टनर भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, मूवमेंट आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं वहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक अप्रोच मुझे आता हुआ दिख रहा है, उनके वहाँ से कोई सिग्नल, कोई खबर, कोई रिकन्सिलेशन होने के चांसेस अच्छे बने हुए हैं जेमिनी इन दिस मंथ में। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। तो बाय द एंड ऑफ द मे मंथ में कार्ड्स एंड एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं आपके लिए। अगर एक और हम कार्ड देख लें गाइडेंस कार्ड के, तो यहाँ पे आपके लिए हीलिंग के कार्ड्स हैं। ये कार्ड कह रहा है कि यस इस मंथ में आपकी हीलिंग होगी, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज दिखनी है, बिकॉज कार्ड पे लिखा हुआ है हीलिंग बिगिंस, तो दिस इज़ गुड एनर्जी ऑफ कोर्स। ये इंडिकेट करता है कि नो समवेयर, जैसे कि मैं कह रही थी ना यहाँ पे आप स्टार्टिंग में कोई बातों को लेके गुस्सा हो, अपसेट हो, ज़िद्दी हो, समवेयर कहते हैं ना दीज आर नेगेटिव एनर्जीज, ये हमको पॉजिटिविटी तो नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं थ्रू टाइम जब आप इन्हों गुस्सा, आपकी जो भी इमोशंस है, फीलिंग है, लेट गो कर आप अपने आप हील भी करोगे, तो मुझे तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट इमोशंस से भी हील होते हुए दिखते हो। अपने कहीं ना कहीं जो भी आपके बहुत होता ना कि हम एक मन में बहुत दुख भर के हमने रखा हो, तो वो भी आप लेट गो करोगे, हीलिंग आएगी आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आएगी, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए एक और एडवाइस है कि रीच आउट, किसी से बात भी करें, अगर आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको किसी से बात करनी चाहिए, किसी फ्रेंड से, किसी अपने से, तो ज़रूर आप जाकर बात करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। रीच आउट लिखा है कि अपने मन में बातें ना रखें, आप ज़रूर डिस्कस करो, बात करो, कम्युनिकेशन करो। एंड ये मंथ में भी आपके लिए ज़रूर सजेशन है कि कम्युनिकेट करो, चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, बेहतर करो, अच्छा है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर करें, सो आपके लिए हेल्पफुल माना जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू जेमिनीज। तो समवेयर यस स्टार्ट ऑफ द एंड मिड ऑफ द मंथ में आपकी एनर्जीज मेरे को थोड़ी सी स्टक एंड गुस्से वाली दिख रही है,
एंड रेस्ट अदरवाइज मुझे कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम्स है, बातचीत नहीं हो रही, तो ये मंथ में मुझे आपके पार्टनर की साइड से कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, कोई अच्छी खबर आ सकती है, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट्स भी दिख रही हैं. सो ऑल ओवर आपके पार्टनर की साइड से मुझे अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं. येस, दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू. या कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जो लोग सिंगल हैं. सो डेफिनेटली ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं. येस, आई होप यू लाइक द रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.